नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं लाइव आपको एक वीडियो दूंगा, तो मैं आपको लाइव आ गया हूं। आपके जो भी क्वेश्चन या कमेंट है, आप लाइव चैट में बोलिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों, न्यूज़ क्या है कि गलवान घाटी के जो नापाक हरकत के बाद चीनी मीडिया ने भारत को हाइड्रोजन बॉम्ब का डर दिखाना शुरू कर दिया है, और ये धमकी चीनी सरकार की जो मुखपत्र है उन्होंने भारत को दी है। जैसे कि ग्लोबल टाइम्स और वहां पर जितने भी सरकारी मीडिया है, वे सभी अपनी सरकार की कहे पर चलते हैं। जो उनकी सरकार बोलती है, वे वही अपने जो पत्र है उनमें छाप देते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि लद्दाख सीमा पर 20 भारतीय शेर शहीद हो गए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में चीन के 45 से 50 सूअरों को भी जहन्नुम में पहुंचा दिया था, और चीनी कमांडर की भी मौत इस घटना में हो गई। और दोस्तों, लेकिन अब चीन ने जो सरकारी मीडिया है वहां का, उसने हाइड्रोजन बॉम्ब की भारत को धमकी दी है, और ग्लोबल टाइम्स ने हाइड्रोजन बॉम्ब के परीक्षण का जो अपने उस पर वीडियो पोस्ट किया है। हालांकि उनकी तरफ से दावा किया गया है ये हाइड्रोजन बॉम्ब आत्मरक्षा के लिए है। उन्होंने आज ही के दिन 1967 में जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसका परीक्षण किया था, और उन्होंने आज ये वीडियो पोस्ट की है। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, और चीन अपने परमाणु बमों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है, भले ही वो जैसे तैसे दावे करता रहे और उनकी क्षमता भी बढ़ा रहा है। वो उन्हें जो जमीन और समंदर और हवा से दागने की जो अपनी शक्ति है उसको मजबूत कर रहा है। उसके लिए वो नए नए एयरक्राफ्ट भी और हथियार बना रहा है। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक जो चीन है उसके परमाणु हथियारों का जो उसने बढ़ोतरी की है उसका कुछ खास अंदाजा नहीं है, क्योंकि चीन का जो परमाणु परीक्षण का जो उसके पास कितने परमाणु हथियार है वो कन्फर्म नहीं है। और दोस्तों, तो रही बात भारत की, तो भारत के पास भी हाइड्रोजन बॉम्ब है। भारत ने 1988 में परमाणु परीक्षण किया था, तो आप ये मत सोचिएगा कि भारत के पास हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं है। और चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने भारत को कहा है कि भारत अपने सैनिकों को नियंत्रण में रखे, क्योंकि भारत की सेना की कार्रवाई से ये घटना हुई है और दोनों देशों के बीच सेनाओं के बीच शारीरिक संघर्ष बढ़ा है, और अब भारत को उकसावे की कार्यवाही रोक देनी चाहिए। एक तो चीन चोरी कर रहा है, ऊपर से सीना जोरी भारत को ही दिखा रहा है, जबकि चीन युद्धाभ्यास कर रहा है वहां पर लगातार, और भारत को ऐसी ऐसी हाइड्रोजन बॉम्ब की धमकियां दे रहा है अपने अखबारों की सहायता से। और साथ ही वो तरह तरह के, पहले ही वहां पर उन्होंने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर सीमा पर पहुंचाना शुरू कर दिया था, और वो भारत को ही कह रहे हैं कि भारत अपनी उकसावे की कार्रवाई को रोक दे और अपने जो सैनिकों को पीछे हटा ले। वो खुद भारतीय सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं, फिर भी वो भारत को ही बोल रहे हैं कि भारत उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। तो अब भारतीय सरकार को नहीं बल्कि भारतीय जनता को भी एक्शन में आना होगा, क्योंकि चीन समझता है कि भारत जो है चीनी सामानों के बिना अब नहीं रह सकता है। और दोस्तों, आपको इस बात का कड़ा जवाब देना होगा भारतीय जनता को, और भारतीय जनता पार्टी को तो देना ही होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।